राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको श्री जी की पूरी परिक्रमा कराऊंगा, श्री राधा रानी की बरसाना में। और हम चल रहे हैं मार्ग पर, और ये मेरी पत्नी है और बच्चे हैं। हम जो है साथ में ही परिक्रमा कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ का भी काफ़ी सुंदर है। ये जो परिक्रमा में पहला पड़ने वाला गांव जो है विलासगढ़ है, इसकी बरसाना की छोटी परिक्रमा भी होती है, बड़ी परिक्रमा भी, लेकिन हम बड़ी परिक्रमा कर रहे हैं। और हम अब जा रहे हैं गहवर वन की ओर। गहवर वन काफ़ी लोकप्रिय स्थान बताया गया है। जो जो भी बरसाना के भजन गाता है उसमें गहवर वन का नाम जरूर आता है। और यहाँ पर जो है श्री राधा रानी और उसकी सखियाँ आती थी और इस वन में खेलती थी और श्रृंगार आदि करती थी। यहाँ पर गहवर वन की आप सुंदरता देख सकते हैं। गहवर की वन की कहानी ऐसी है, एक बार जब श्री राधा रानी रूठ गई थी तो श्री कृष्ण भगवान ने मयूर का वेश बनाकर श्री राधा रानी के सामने जो है नृत्य किया, जिससे राधा रानी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह मान गई। और फिर श्री कृष्ण भगवान जी अपने असली रूप में आ गए। और आप यहाँ की जो है पेड़ों की लताएं और यहाँ की सुंदरता देख सकते हैं। यहाँ पर तरह तरह के पुष्प वाटिका बनी हुई है, और यहाँ पर श्री राधा रानी जी का मंदिर भी है। इसकी हम परिक्रमा कर रहे हैं जो राधा रानी रूस कर बैठी थी, और अब हम चल रहे हैं मान मंदिर की ओर। मान मंदिर में जाने के लिए हमें 300 सीढ़ियाँ पार करनी पड़ेगी। एक दूसरा रास्ता भी है जो थोड़ा घूम कर जाता है, लेकिन ये शॉर्ट पड़ता है। और ये जो पूरा है ब्रह्मांचल पर्वत है जिस पर मान मंदिर बना हुआ है, ये ब्रह्मांचल पर्वत आप देख रहे हैं। इसको ब्रह्मांचल पर्वत इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी के 5 मुख बताए गए हैं। और श्री राधा रानी जी यहाँ पर जो है नित्य प्रति आती थी मान मंदिर में। अभी काफ़ी गर्मी है, दोपहर के लगभग 2 बजे हैं। हम कड़ी धूप में चल रहे हैं, आप देख सकते हैं यह काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। अब हम मान मंदिर की ओर जा रहे हैं। दोस्तों देखो, हम मान मंदिर में पहुंच गए हैं। अब हम आपको मान मंदिर के अंदर का दृश्य दिखाते हैं। यह एक तरह का आश्रम भी है, और यहाँ पर नित्य प्रति हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन चलता रहता है। और सामने मंदिर है जो लगभग 5:30 बजे खुलेगा, अभी यह मंदिर बंद है। यहाँ पर कीर्तन होती रहती है, देखिए। मान मंदिर श्री राधा मान बिहारी लाल जी मानगढ़, यह मंदिर का नाम है। और अंदर का व्यू देख सकते हैं इसका, अभी मंदिर बंद है और 5:30 बजे के लगभग मंदिर खुलेगा। ये आपको मैं इसका बाहर का दृश्य दिखाता हूँ मान मंदिर से। देखो कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर लगभग जो है इसी के पास में गौशाला है जहाँ पर 10,000 गौवें पाली जाती है। और यहाँ पर एक महान संत रहते हैं, ऊपर मान मंदिर के ऊपर आश्रम बना हुआ है। हम उस आश्रम में जा रहे हैं धीरे धीरे। वह संत वहाँ पर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, हम बाहर से ही आपको दर्शन करा देंगे। ये देखो कितना सुंदर दृश्य है यहाँ से देखने पर, और यह काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से पूरे बरसाने का आप दृश्य देख सकते हैं, काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है।
स्थित है यह, और ये ब्रह्मांचल पर्वत है। अब हम यहाँ से चल दिए हैं मान मंदिर से श्री राधा जी के मंदिर की ओर। अब यहाँ से यहाँ पर जो है बंदरों से सावधान रहना दोस्तों, क्योंकि काफ़ी श्रद्धालुओं पर हमले हो चुके हैं बंदरों द्वारा। और परिक्रमा करते समय यह तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहे, यह श्री राधा 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 यह कहते रहे, जिस पर आपको राधा रानी की कृपा होगी। यह पर्वत एकदम लाल पर्वत की तरह दिखाई देता है, और एक और श्याम पर्वत भी है, उसका दृश्य वो दूसरा रास्ता है, उस पर हम नहीं गए क्योंकि हम बड़ी परिक्रमा मार्ग में है, वो छोटी परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। चलिए अब धीरे धीरे आगे की ओर चलते हैं। श्री राधा रानी का मंदिर दिखाई दे रहा है आपको सामने, वो ऊंचाई पर। और रास्ते में आपको संत महात्मा मिलेंगे, आप अपनी श्रद्धा अनुसार इनको दान दे सकते हैं जो भी आपकी श्रद्धा हो। चलिए अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा पुष्प ले लेते हैं प्रसाद श्री राधा रानी जी के लिए। एक ही दे दो। आप यहाँ का सुंदर व्यू देख सकते हैं दोस्तों। अभी दोपहर का समय है, वरना यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, शाम होते होते काफ़ी भीड़ हो जाएगी। यहाँ पर जलपान गृह की भी व्यवस्था है, ये देखिए आप, यहाँ पर शौचालय आदि या जलपान गृह कर सकते हैं। और रास्ते में जगह जगह पर आपको खाने पीने की सब तरह की व्यवस्था मिलेगी। अब हम मंदिर के पास पहुंच गए हैं, चलिए मंदिर की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ से देखो मंदिर आ चुका है, और पूरे बरसाने के दर्शन आप देख सकते हैं। और हम अब चलते हैं मंदिर की ओर। यहाँ पर अपने जूते निकाल देना, यहाँ पर निशुल्क सेवा है जूतों की। और ये हमारी लाडली जी का मंदिर है, आप इसके दर्शन करें और नमन करें, और श्री राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अब हम चलते हैं, आपको अंदर के दर्शन दिखाएंगे मंदिर के। बोलिए श्री राधा रानी की जय, श्री लाडली महाराज की जय। ये देखो दोस्तों, हम मंदिर के अंदर आ गए हैं, यहाँ पर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं है, फिर भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं दूर से ही। अभी भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी है, क्योंकि 4:30 बज चुके हैं, हमें 2.5 घंटे हो गए हैं चलते चलते, और यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। और शाम को 6 बजे के करीब आरती होगी, आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं, कितना सुंदर, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है यहाँ पर इतनी गर्मी में भी। और दोस्तों यह मंदिर काफ़ी प्राचीन बताया जाता है, और यहाँ पर जो है श्री जी की काफ़ी लीलाएं होती है दोस्तों। इस ब्रह्मांचल पर्वत पर जो है यहाँ पर साधु संत रहते हैं, जो कई सालों से तपस्या कर रहे हैं, हम उनकी खोज में जो है जा रहे हैं यहाँ पर। इसके बारे में हमें किसी संत महात्मा ने बताया था, और हम अब उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं, आपको भी उनका दर्शन कराएंगे। हम पैदल का ही मार्ग है यहाँ से जाने का। और ब्रह्मांचल पर्वत पर देखो यहाँ पर कितना सुंदर वन है,
दोस्तों यहाँ के जो फेमस जो प्रसिद्ध संत है वे मौनी बाबा जी है। हम उनको उनका दर्शन कराएंगे। वह कई दिनों तक बिना खाए पिए ऐसे ही समाधि लगाए बैठे रहते हैं। और चलिए चलते हैं, उनके दर्शन कराएंगे आपको। दोस्तों इस कलयुग में दो ही तरीके से कल्याण हो सकता है, एक तो संत दर्शन और एक यदि गुरु मिल जाए और भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं कथाएं और उनके कीर्तन मात्र से जो है हम भगवत प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये उनके दर्शन कराते हैं। यहाँ पर देखो वह साधु जो है तपस्या कर रहे हैं, यही है मौनी बाबा। देखो हम इनकी समाधि में कोई विघ्न नहीं डालेंगे, दूर से इनको इनके दर्शन करा रहे हैं। यह 35 वर्षों से ऐसे ही तपस्या कर रहे हैं और आप इनको नमन करें और इन संतों की कृपा आप पर भी बनी रहे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। जय श्री राधे, जय